नमस्कार, न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश भर में 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,900 नए मामले, 195 लोगों की मौत। उद्धव ठाकरे के चुनाव पर हो रहा था बेवजह तमाशा। कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी सरकार बैकफुट पर। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कल 4 मई सुबह 8 बजे से लेकर आज 5 मई सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 3,900 नए मामले सामने आए और 195 लोगों की मौत हुई। साथ ही इन बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से पीड़ित में 1,020 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 46,433 हो गई है, जिसमें से अभी तक 27% यानी 12,727 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या 1,568 हो गई है। साथ ही देश में अब कल कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 32,138 हो गई है। ICMR द्वारा आज 5 मई सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 11,91,946 सैंपलों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 84,713 सैंपलों की जाँच बीते 24 घंटों में हुई है। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,900 नए मामले सामने आए और सबसे अधिक मामले 8 राज्यों से आए हैं। इनमें महाराष्ट्र से 1,567, तमिलनाडु से 527, गुजरात से 376, दिल्ली 349, पश्चिम बंगाल 296, राजस्थान 175, पंजाब 131 और उत्तर प्रदेश से 121 नए मामले सामने आए। साथ ही मध्य प्रदेश से 96, हरियाणा से 75, आंध्र प्रदेश से 67, कर्नाटक से 37, जम्मू कश्मीर और बिहार से 25-25 मामले, त्रिपुरा से 13, चंडीगढ़ से 8, उड़ीसा से 7, तेलंगाना से 3 और एक एक नया मामला छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश से सामने आया। देश के 12 राज्यों में बीते दिन कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसमें केरल, झारखंड, उत्तराखंड, असम, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, पुडुचेरी, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा की जा रही राजनीति उनके पिता बालासाहेब ठाकरे की राजनीति से अलग है। जाने माने राजनीतिक चिंतक प्रोफेसर सुहास पलसेकर ने न्यूज क्लिक के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि राजनीति के महाराष्ट्र मॉडल यानी भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों की एकजुटता के इस मॉडल को भारत के दूसरे राज्यों में भी दोहराया जा सकेगा, इसकी उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी। आइए सुनते हैं उन्हें। अभी महाराष्ट्र में वहां का विधान परिषद में निर्वाचन होने वाले हैं नए पद के लिए। ये हमने जो निर्वाचन सदन से निर्वाचन आयोग ने ये घोषणा किया मई का पहला तारीख, इसके थोड़ा पीछे बहुत कुछ आश्चर्य चीज हुई थी। सबको मालूम है कि उद्धव ठाकरे जी का जो मुख्यमंत्री का पद में 28 मई की अगर वो निर्वाचित नहीं होते हैं जी जी विधानसभा में या विधान परिषद में वो मुख्यमंत्री पद में नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने और महाराष्ट्र का जो कैबिनेट है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को कहा कि उनको आप एक नॉमिनेटेड मेंबर बना दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर ये आया आपके पास उनके पास 9 अप्रैल और फिर 27 अप्रैल उन्होंने एक बार और चिट्ठी लिखा कि आप कुछ कीजिए, उसको नॉमिनेट कीजिए। 28 अप्रैल के दिन MVA वो गठबंधन है महाविकास अगठी जिसमें आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, एक साथ मिलके राज्यपाल कोश्यारी जी को बोला आप कुछ कीजिए। लगभग उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। फिर 19 अप्रैल का रात के समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीफोन और फिर 24 घंटा के बाद निर्वाचन आयोग ने बोला हाँ हाँ निर्वाचन होने वाले हैं 21 मई को ये 9 जो विधान परिषद में जो जगह खाली है इसका निर्वाचन। तो इतना क्यों ऊपर नीच निवेदन अनुमति क्यों ये सब की क्या जरूरत था, ये इतना ड्रामाबाजी का क्या जरूरत था? सुहास जी आप बताइए। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका शायद जवाब भी आपने ही दिया है कि उसका कुछ भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो 9 सीटें हैं जिनका निर्वाचन होने वाला है उनके अलावा विधान परिषद में
जिसको हम कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए भी कुछ जगह होती है, उनमें एक खाली है। और कैबिनेट स्टेट की ये कह रही थी कि अब ये कोविड चल रहा है, डिस्टेंसिंग है, सब चीजें बंद है, लॉकडाउन है, तो ऐसे में शायद निर्वाचन आयोग इसका निर्वाचन ना करे, लेकिन नॉमिनेशन तो हो सकता है। तो हम आपको ये सलाह देते हैं राज्यपाल को कि आप उद्धव ठाकरे जी का नॉमिनेशन इस पद पे कर दीजिए। इससे ये होगा कि ये जो संवैधानिक चुनौती आने वाली थी 26 मई को 27 मई को, वो नहीं आएगी, निर्वाचन भी अभी नहीं करने पड़ेंगे। ये तो जाहिर है कि जो संविधान के मुताबिक हमारी संसदीय व्यवस्था में अगर कैबिनेट कुछ सलाह राज्यपाल को देती है तो राज्यपाल ने वो सलाह मानना संविधान के हिसाब से, मुझे जितना समझता है उससे मैं कह सकता हूं कि राज्यपाल को ये जरूरी है कि वो संविधान के हिसाब से ये सलाह मानना जरूरी है। अब इसका जवाब तो राज्यपाल जी को देना चाहिए कि उन्होंने ये सलाह फिर क्यों नहीं मानी। क्या उसमें कुछ संवैधानिक दिक्कतें थी या राजनीतिक दिक्कतें थी? क्योंकि हमारे यहाँ आज नहीं, सिर्फ भाजपा के रूल में नहीं, पीछे कई सालों से ये चल रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का खुद का अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और उसके जरिए सब जगह राज्यपाल जैसे हम सेंटर के एजेंट है इस तरह बर्ताव करते हैं। बिल्कुल, आप तो ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े दुख की बात है कि अब यही महाराष्ट्र में हुआ है। ये जो राज्यपाल का जो भूमिका होना चाहिए वो हम नहीं देख रहे कि एक बार राज्यपाल ठीक है तो पॉलिटिकल अपॉइंटिंग है, मगर जिस पद में आज भगत सिंह कोश्यारी जी बैठे हैं, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो ये सारे क्यों इतना, ये इसके पीछे और कुछ है? और कुछ है कि ये 9 पद में ठीक है, 3 तो भारतीय जनता पार्टी को आराम से मिल जाएगा, 5 आपका गठबंधन जो महाविकास अघड़ी को मिल जाएगा, और 1 जो बाकी है उसमें ऊपर नीच की स्थान होगा। तो ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने मोदी जी को कह दिया ठीक है, 1 जो पद है जो एक तरह से विवादित हो सकता है वो बीजेपी को मिल जाएगा। ऐसा कुछ बैक, क्या कहते हैं, बैक रूम कंट्रोवर्सी की संभावना है? देखिए, अगर ये सच भी है, अब ये तो चीजें टेलीफोन में जो बात हुई है और दिल्ली का गॉसिप जो रहता है उसमें जो चीजें बन रही है उसका मुझे तो पता नहीं, लेकिन समझिए कि ये हो गया है। फिर भी इतनी छोटी चीज के लिए एक संवैधानिक पद का इस्तेमाल करना, एक बड़े राज्य में राजनीतिक अस्थिरता लाना, मेरे ख्याल से हम किसी को भी शोभा नहीं देता है। ये नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है इससे ज्यादा चीजें है इसमें, वो ये है कि जैसे आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में पहले तो भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था, चुनाव भी उन्होंने साथ लड़े थे, और उसके बाद शिवसेना ने कहा कि हम आपके साथ नहीं आएंगे क्योंकि आप हमें मुख्यमंत्री पद नहीं दे रहे। तो ये जो उनके बीच में बेबनाव है, दोनों के बीच में भाजपा और शिवसेना, उसका ये नतीजा है कि हर, जिसको कहते हैं स्टेप पे, हर एक निर्णय के बारे में राज्यपाल हो या केंद्र की सरकार हो, महाराष्ट्र की इस सरकार को कुछ न कुछ कठिनाइयां पैदा करना शायद चाहती है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक सीट के लिए नहीं हुआ है, ये जो हुआ है वो एक राजनीतिक खींचतान है और जो नहीं होनी चाहिए, जिसमें राजनीतिक दल ने ये कहना चाहिए कि चलिए आपके पैसे भी सीट तो आने वाले है, आप आने वाले थे, चुनके आप नॉमिनेट कर देंगे, वो नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि कांग्रेस या राज्य कांग्रेस कमेटी की राज्य इकाइयां हर जरूरतमंद श्रमिक और प्रवासी श्रमिकों की रेल यात्रा का खर्चा वहन करेगी। न्यूज क्लिक के न्यूज चक्र के इस नए एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के इस कदम के बाद बीजेपी किस प्रकार अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी हुई है। आइए सुनते हैं अभिषेक। क्या कहने, अब जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह ऐलान किया कि जितने भी गरीब मजदूर अपने राज्यों का रुख कर रहे हैं तो कांग्रेस की जो तमाम इकाइयां हैं वो उनके किराए का और उनके खान पान का जिम्मा उठाएगी, अब जाके केंद्र सरकार होश में आई है। पीएम केयर्स में आप न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए जमा कर चुके हैं। यही बात नहीं,
देश के सामने इतनी ढेरों मिसालें हैं जहां एक मां अपने बच्चे को कंधे पर लादे न जाने कितने बुजुर्ग सड़कों पर चल रहे थे। 40 से 50 लोग इसी तरह से सड़कों पर चल के मर गए। इतने दिनों ये तमाम तस्वीरें सामने उभर कर आती रहीं और केंद्र सरकार का दिल नहीं पसीजा। मगर जैसे ही कांग्रेस ने ये ऐलान किया कि जितने भी गरीब अपने घर जा रहे हैं कांग्रेस उनके टिकट से लेकर उनके खान पान के लिए पैसा देगी, तब जाकर ये केंद्र सरकार होश में आती है। क्या आपके अंदर इतनी सी भी संवेदना है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जो फरमान जारी किया गया था वो कितना संवेदनहीन है। आपके स्क्रीन पर 11C इसे पढ़िएगा। पहले मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं और बाद में मैं इसका हिंदी में तर्जुमा करूंगा। द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स क्लियर्ड बाय देम एंड कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू रेलवेज। यानी कि जो लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं राज्य सरकारें जो हैं उन्हें टिकट्स देंगे और उन्हीं पैसेंजर्स को टिकट्स देंगे जिन्होंने जिनका नाम उन्होंने क्लियर किया है, और जो पैसा इनसे इकट्ठा होगा वो जाएगा केंद्र सरकार को यानी कि भारतीय रेलवेज को। अब तक तो आपने ये फरमान जारी किया हुआ था, मगर जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ये ऐलान करती है उसके बाद केंद्र सरकार का दिल पसीजता है और फिर वो ये ऐलान करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने क्या कहा था। हमने जानबूझकर यह फैसला लिया कि लोगों से टिकट के पैसे लिए जाएंगे ताकि सिर्फ जरूरतमंद ही ट्रेन का इस्तेमाल करें। एक बार आप फ्री कर देते हैं तब हर कोई सफर करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, और ऐसे में इन्हें कोरोना वायरस के लिए स्क्रीन करना मुश्किल हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस केंद्र सरकार से, क्या इस वक्त जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं क्या वो मजाक के लिए वापस जाना चाह रहे हैं? अगर शहर, अगर राज्य उनके देखभाल का, उनके रहन सहन का अच्छा इंतजाम करती तो ये लोग क्यों अपने घर के लिए जाते? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये वादा किया था कि कम से कम 7 से 10 लाख लोग आपके स्वागत के लिए अहमदाबाद में होंगे। करोड़ों रुपए खर्च किया गया था इसके लिए। क्या आप जानते हैं मोटेरा स्टेडियम में जो हजारों की भीड़ जमा हुई, इन सबको 5-स्टार होटल का खाना दिया गया था, कैप्स दिए गए थे, पानी की बॉटल्स दी गई थी, मगर गुजरात के अंदर जो उड़ीसा का मजदूर फंसा हुआ था वो त्राहिमाम मचा रहा था। वो लगातार मिन्नतें कर रहा था कि हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं लोग। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी क्या कहते हैं कि गुजरात के अंदर जो कोरोना वायरस फैला है वो तबलीगी जमात की वजह से फैला है। अपनी जिम्मेदारी आप नहीं समझते हैं, मगर सारा ठीकरा जो है आप फोड़ना चाहते हैं किसके ऊपर, या तो तबलीगी जमात के ऊपर या विपक्ष के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं यह मुद्दा शुरू कैसे हुआ। आपके स्क्रीन पर यह है डीके शिवकुमार, कर्नाटक कांग्रेस से नेता हैं, और इन्होंने राज्य सरकार को एक चेक दिया कि जो लोग अपना पैसा खर्च करके अपने गांव जा रहे हैं मैं उन्हें फाइनेंस करने को तैयार हूं, यानी कांग्रेस उन्हें फाइनेंस करने को तैयार। और उसके बाद राज्य सरकार ने शर्मिंदा होकर किराया माफ किया। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इतनी संवेदनहीन आखिर हो कैसे सकती है? न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।